छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी का वादा किया था। सरकार बने 3 साल हो चुके हैं, विपक्ष और जनता दोनों ही कांग्रेस को उसका वादा याद दिला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार शराब की बिक्री कम करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे इस पर आगे भी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को इस विषय पर कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार शराब की बिक्री बढ़े इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के मुताबिक अब शराब की दरों में 10-12% की कटौती की जाएगी। लोगों को अपने घर में शराब स्टॉक करने की 4 गुना क्षमता प्रदान की जाएगी। लोग अपने घर में बार खोल सकेंगे। सारे एयरपोर्ट पर शराब की प्रीमियम दुकानें खुलेंगी। पूरे देश में शराब को बेचने के लिए ऐसी उदार पॉलिसी किसी राज्य में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ का नेता विशेषकर रमन सिंह जी अपना रुख स्पष्ट करें, क्या वो मध्य प्रदेश की शराब नीति का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने खुलकर आ सके। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का कहना है कि यहां से कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में जाकर राजनीति करें। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने वादा किया था, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हम मध्य प्रदेश की बात क्यों करेंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि शराबबंदी का वादा किसने किया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हम मध्य प्रदेश की बात क्यों करेंगे। जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात करना होगा तो वो जो नेता है ना वो जाए मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं का टोटा पड़ गया है? मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी कहा था, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और सरकार को जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का दावा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस अब शराबबंदी के सवाल पर घिरती दिख रही है। वहीं शराबबंदी की मांग करने वाली बीजेपी दूसरे राज्य में शराब बिक्री को प्रोत्साहित करती दिख रही है। मतलब साफ है कि शराबबंदी सियासत से ज्यादा दोनों दलों के लिए कुछ नहीं है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में आदिवासी अंचलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था। 3 साल बीत चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आखिर उस वादे का क्या हुआ। वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जहां उसका शासन है वहां लगातार शराब की कीमतों में कमी कर रही है और साथ ही होम बार लाइसेंस भी जारी कर रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी केवल सियासी मुद्दा है या केवल सियासत? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मेरे साथ रजनीश सिंह जी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शराब पर बहकती सियासत, यह विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। मैं सबसे पहले अनिल द्विवेदी जी के पास ही चलता हूँ। अनिल जी, 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि आदिवासी अंचलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जहां पर उसका शासन है मध्य प्रदेश में वहां शराब की कीमतें कम कर रही है, उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि शराब की आपको खपत वहां पर बढ़ानी है। तो क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी केवल चुनावी मुद्दा था या इसके अलावा कुछ अलग तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए आदित्य, जिस तरह से शराबबंदी के मुद्दे पर दोनों ही सरकारों ने वादे किए लेकिन उसको पूरे नहीं किए, और आपको याद होगा रमन सरकार में भी उन्होंने वादे किए थे कि शराबबंदी करेंगे, ये ठीक है कि उन्होंने घोषणा पत्र में ये बात नहीं कही थी, लेकिन जैसे जैसे जनाक्रोश बढ़ा, महिलाओं का जो गृहिणियों का विरोध बढ़ा, उसके बाद रमन सरकार पर यह दबाव बढ़ा कि शराबबंदी होना चाहिए। आरएसएस और दूसरे अनुसांगिक संगठनों ने भी सरकार को कहा कि यदि शराबबंदी करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, लेकिन रमन सरकार शराबबंदी तो नहीं कर सकी, लेकिन उसने उसे बेचने का काम किया, और वो काम किया जो पूरे देश में सबसे पहले प्रयोग माना गया कि रमन सरकार ने शराब को पहले जो लोग खरीदते थे उसे सीधे ऑनलाइन बेचना शुरू किया, उन्हें बाजार में खुद की दुकानें शुरू करा दी।
तो यानी सरकार पहले शराब बेचती थी, सिर्फ एक नैतिक थोड़ा सा साहस रखे हुए थे कि हम शराब नहीं बेचते, लेकिन रमन सरकार ने जाते जाते शराब बेचने का भी काम किया और उसके बाद जनता ने उसको पसंद नहीं किया और कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ताच्युत कर दिया। ये जरूर है कि रमन सरकार ने महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए एक दिखावे के लिए कुछ 250-300 दुकानें बंद जरूर की थी विरोध के चलते, लेकिन पूरी शराबबंदी तो रमन सरकार भी ये साहस नहीं कर सकी। फिर आई कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अब शराबबंदी करेंगे। देखिए 12 से 13 हजार करोड़ का सालाना ये राजस्व है, कैसे सरकार इसको जाने देगी अपने हाथ से। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार के समय थोड़ी मुश्किलें और एक जो दिक्कत ये आई कि कोरोना के चलते राजस्व नहीं आया और राजस्व नहीं आने के चलते सरकार के ऊपर ये बात थोड़ा मानी जा सकती है कि ठीक है राजस्व की कमी थी इसलिए आपने शराबबंदी लागू नहीं की। लेकिन मेरा सवाल था यहां पर आपसे कि आपकी बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार के साथ आप वहां पर सरकार में हैं, बिहार की शराबबंदी का हाल हम सब ने देखा है, शराब बोला जाता है कि शराब नहीं बिक रही लेकिन अधिक रेट में आप कहीं से भी शराब वहां ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, होम बार लाइसेंस आप जारी कर रहे हैं, आप शराब की कीमतों में लगातार कमी कर रहे हैं, फिर किस मुंह से छत्तीसगढ़ में आप शराबबंदी की मांग सरकार से कर रहे हैं? आदित्य जी, अब जैसा आपने प्रश्न किया कि बिहार में हमारी सरकार है, हमारी गठबंधन की सरकार है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम छत्तीसगढ़ में किस मुंह से बात कर रहे हैं कि हाँ जो कांग्रेस ने घोषणा किया है उसको हम याद दिलाएं, तब तो फिर इनको छत्तीसगढ़ में रहने का अधिकार नहीं है। यदि वो हमारे ऊपर नियम लागू होता है तो यहाँ के तो कांग्रेस नेताओं के, यहाँ के मंत्रियों को, किसी को बिहार में, किसी को यूपी में, किसी को आसाम में जा करके रहना चाहिए। दरअसल बात यह है आदित्य जी, आपने जो आज का विषय रखा है कि छत्तीसगढ़ के नेता ये बोल रहे हैं कि इनके सरकार मध्य प्रदेश में है, वहाँ शराब के दाम कम कर रहे हैं, यदि इनको ये सब चीज की चिंता थी तो ये घोषणा पत्र क्यों लेके आए? दरअसल आदित्य जी, कांग्रेस की सरकार जो है ये यदि ये सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को हम ऐसी मूर्ख बना लें, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने भारी मात्रा में इनको वोट दिया, युवाओं के बारे में बोल रहे हैं कि हमने 2500 का वादा नहीं किया था, उनके बारे में ये धोखा दे रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं, व्यापारियों का धोखा दे रहे हैं। और मजेदार बात बताऊं, इन्होंने समिति बनाया है, विधानसभा में बोलते हैं कि हमारी बैठक होगी, जांच करेंगे, देखेंगे, फिर करेंगे हम इसका घोषणा, और 3 साल बीत गया है। और एक दूसरी और बात बता दूं, अब तो इतने बड़े इनका चाल चरित्र और ब्रांड हो गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार, परसों 19 तारीख को झारखंड सरकार की एक मिनट्स हुआ है, उस मिनट्स में क्या आया है इसको 3 लाइन खाली पढ़ देता हूं, बाकी विषय लंबा है। झारखंड राज्य में उत्पाद राजस्व संवर्धन हेतु पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के निमित्त छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड का पारामार्सी एजेंसी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई। अब ये छत्तीसगढ़ नहीं, जाके झारखंड में बेचेंगे, यहाँ 3000 करोड़ बचाएंगे और 10000 करोड़ का अवैध शराब बिकेगा। झारखंड और यहाँ का सीमा लगा है जो रोज हम देख रहे हैं, गांजा का तस्करी, शराब का तस्करी। जिस समिति की आप बात कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से याद है, 3 साल लोगों के लिए इन्होंने समिति को वादा किया था, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों के नाम नहीं दिए उस समिति में ताकि उस बैठक को आगे बढ़ाया जा सके। बहरहाल आरपी सिंह जी, ये बात बिल्कुल वाजिब है, 2018 के घोषणा पत्र में आपने वादा किया था आदिवासी अंचलों को छोड़कर पूर्ण शराबबंदी पूरे प्रदेश में की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को देखकर यह वादा किया था कि छत्तीसगढ़ की जनता को देखकर आपने ये वादा किया था? देखिए, सबसे पहले मैं भाई रजनीश सिंह को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बताया कि झारखंड के मिनट्स उन्होंने पढ़ के सुनाए। झारखंड के मिनट्स के लिए अगर यहाँ की छत्तीसगढ़ लिकर मार्केटिंग कारपोरेशन को सलाहकार संस्था के रूप में देखा जा रहा है तो इस मार्केटिंग कारपोरेशन को तो हमने बनाया नहीं, रमन सिंह ने बनाया था। आप खुले मंच से और टेलीविजन पर रमन सिंह की बुराई कर रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, आपने एक बात कही जो कि बहुत आपत्तिजनक है, आपने प्रदेश की पूरे 3 करोड़ आबादी को मूर्ख कहा है, आप उसके लिए खेद प्रकट कीजिए। आपकी जो है राज्य प्रभारी आती है कहती छत्तीसगढ़ियों को थूक दीजिए, आप 2 कदम और आगे निकल गए। आप कह रहे हैं हम मूर्ख बना रहे, जनता मूर्ख है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत।
दूसरी बात, शराब एक सामाजिक बुराई है। अगर बुराई छत्तीसगढ़ में है तो बुराई मध्य प्रदेश में भी है और बुराई दूसरे राज्यों में भी है। हमारी सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई, बात को समझिए आदित्य जी। अगर मध्य प्रदेश की सरकार शराब की दरों में 10-15% की कटौती करती, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह होगा कि वहां की अवैध शराब हमारे राज्य में आएगी, क्योंकि दोनों राज्यों की शराब को तो लगातार हो जाएगा। तो एक तरफ आप बात करते हैं शराबबंदी की, दूसरी तरफ आपका चरित्र क्या है? आज मैं टेलीविजन पर सुन रहा था, मालेगांव बम ब्लास्ट की आतंकवाद की आरोपी स्वनाम धन्य की भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि शराब आयुर्वेद में औषधि है, यानी जो शराब छत्तीसगढ़ में जहर है वो भोपाल जाते जाते औषधि बन जाती। मैंने इस विषय को जानबूझकर उठाया। देखिए, शराबबंदी का वादा हमने किया था, भारतीय जनता पार्टी अगर गंभीर होती तो 15 वर्षों में रमन सिंह के वक्तव्य है, कल रमन सिंह ने कहा है, आदित्य जी मालेगांव के ब्लास्ट के आरोपी है, ये पेपर घोटाले में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन रहे हैं, जिनको जमानत पर हैं, एक पेपर को खरीद लिए हैं अवैध तरीके से, उसके आरोपी उन्होंने छत्तीसगढ़ में कसम खाया था, जो तत्कालीन रूप में तत्कालीन समय में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके आरपी सिंह जी, आपके जो आरोपी जमानत में चल रहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पेपर के खरीदी में, पेपर के मालिकाना खरीदी में पूरा परिवार जो जमानत पे चल रहे हैं, ऐसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ गंगा जल लेके शराब बंद करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कसम खाया था। वो मध्य प्रदेश में शराब यहाँ आ जाएगा कि दिल्ली में क्या होगा, इसका नहीं किए थे? तो आप छत्तीसगढ़ की बात करो ना, और छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते तो टीवी में बोल दो कि हमने सत्ता में आने के लिए युवाओं से वादा किया, महिलाओं से वादा किया, व्यापारियों से किया, किसानों से किया, नौकरी पेशा लोगों से किया, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को आप मेरे को बोल रहे हैं माफी मांगना चाहिए। अरे आप माफी मांगो कि हम नहीं कर सकते, हम तो सरकार में आने के लिए कर दिए थे, और आप जो बोल रहे हैं ना कि इसको बधाई के देना चाहिए, ये मूर्ख है। निश्चित रूप से काम का ठेका छत्तीसगढ़ सरकार को अभी 2 साल में मिलेगी। जितने प्रकार के जो अवैध चीजें हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो आपका राष्ट्रीय चरित्र रहा है, और उसी राष्ट्रीय चरित्र का जो पालन कर रहे हैं आप लोग, और जो बोल रहे हैं कि हमको झारखंड में मिला है, गर्व की बात है। अरे कुछ तो शर्म करो सिंह साहब, अरे आप मेरे को बोलते हो कि माफी मांगो, अरे आपने बड़े बड़े वादे किए हैं विधानसभा में, और आप बोलते हो कि मध्य प्रदेश का शराब आ रहा है, बिहार में बंदी क्यों नहीं हो रही? रजनी जी, आरपी जी, तो आपने घोषणा किया जी, मेरे एक सवाल था, छत्तीसगढ़ में अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि हुक्का बार पे प्रतिबंध लगाया गया था, और हुक्के को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा यहां पर कानून बनाया जा रहा है ताकि हुक्के संचालित ना हो पाए, धीरे धीरे नशे को कम, क्योंकि आज हम देख रहे युवाएं सबसे ज्यादा अगर किसी जद में है तो हुक्के के नशे में है, वो धीरे धीरे बंद कराया गया। आप ये नहीं मानते कि शराब जो है वो सामाजिक बुराई है और सभी को इसमें सामने आना पड़ेगा? केवल शराब दुकान बंद करने का हाल हमने बाकी प्रदेशों का देखा है, इसके लिए क्या कोई बेहतर विकल्प आप सरकार को सुझाएंगे? क्योंकि एकदम से अगर शराब दुकानें बंद हो गई, जैसे हमने बिहार का हाल देखा या बाकी प्रदेशों का देखा, बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या कुछ दूसरा विकल्प आप सुझाएंगे आरपी जी को, ताकि वो सरकार को सुझाव दे सके? रजनी जी, जी मैं आदित्य जी, मैं इनसे सिर्फ कहना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं कि 3 साल का समय हो चुका है और ये विधानसभा में कुछ बोलते हैं, सरकार बाहर में कुछ बोलती है, फिर बहानाबाजी करती है। इनको क्लियर स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमारी स्थिति नहीं है शराबबंदी करने की, हमने घोषणा कर दिया था, बिना सोचे समझे कर दिया था, और अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको बंद कर सकें, बल्कि उल्टे अब बढ़ा के उसमें, और झारखंड से इनका परामर्श करने जाएंगे, वहां से भी कुछ कमाई इनको होगा। तो ये स्टैंड क्लियर करें, भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि 15 साल में आपने वादा किया, अरे हमारा 3 वादा आप नहीं गिनवा सकते कि जो वादा किए थे नहीं किए, और आप तो 36 में से एक वादे नहीं है ऐसा जिसको पूरा कर पा रहे हो, और उसके बाद बड़ी बड़ी बात, हर जगह बड़ी बात,
तो आरपी सिंह जी बता दीजिए क्या छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी कि नहीं? रजनीश जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए क्या विकल्प सरकार ने सोचा है? क्योंकि अब 3 साल निकल चुके हैं, वादा भी था आपका, तो इस विषय पे आगे किस तरह से सोच रहे हैं, सरकार क्या करना चाह रही है? क्योंकि 2 साल बाद फिर से आपको विधानसभा चुनाव में जाना है। आदित्य भाई देखिए, हमने जो कहा है उस पर हम कायम। आज ये शराब वाला मुद्दा मैंने ही उठाया, जान कुछ उठाया, बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र है, जो दोहरा चरित्र है, जो मध्य प्रदेश में दूसरा है, छत्तीसगढ़ में दूसरा है, इनका करेक्टर क्या है वो खुल के जान बुझ के इस विषय को मैंने इसलिए उठाया था। देखिए, 7 राज्यों से हमारी सीमाएं घिरी है, इन 7 राज्यों में कहीं भी शराबबंदी नहीं। हमने पहला प्रयास कब किया मैं आज आपको बताता हूँ। हमने 56 दिन शराब की दुकानें बंद की कोविड के पहली लहर। ये दिव्य ज्ञान कब मिला सिंह साहब आपको? क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ देखिए, उसका क्या हुआ? दिव्य ज्ञान कब से मिला कि 7 राज्यों में कहीं नहीं है? 2018 में था क्या? वहां शासित राज्य है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अरेस्ट हुए, गिरफ्तारी हुई उनकी, वो लोग वहां से शराब वाला के बेच रहे थे। तो रमन सिंह जी जब बैठ के कैबिनेट में कहा, अच्छा आपके लोग क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? आपके लोग कितनी गाड़ी पकड़ा है, नाम सहित बताओ सिंह साहब, कौन कौन कांग्रेस के बड़ा बड़ा पदाधिकारी अपनी गाड़ी में शराब भर लेते पकड़ाए है बताओ। और दिव्य ज्ञान जो 7 राज्यों से घिरा है, 2018 में नहीं था जब आपने घोषणा किया? उस समय भी तो रहा सिंह साहब आपको कि 7 राज्यों से घिरा था, कि उस समय छत्तीसगढ़ अलग था, अरे उस समय भी घिरा था, वहाँ किसी राज्य में शराबबंदी नहीं थी, ये जान रहे थे। 2500 रुपया घोषणा कर दिए, बाद में मोदी जी नहीं दे रहे हैं? मोदी जी से पूछे थे शराबबंदी में 7 राज्य में घिरे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से अपने विधायकों के नाम मांगे, आज तक इन्होंने नाम नहीं दिया। इनको इस बात का डर है कि अगर बीजेपी के विधायक उसको हम नहीं देना चाहते, भारतीय सिंह जी मैं बोल रहा हूँ ना, आपका कोई नाम नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती, आप घोषणा करो, बात दे क्या, आप आदेश निकालो कि जब तक भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का कोई सदस्य नहीं आएगा, समिति की बैठक नहीं होगी, और इसी प्रकार के जिस जिस टीम में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। रणजीत जी साहब, आप ना जो लोग हमने बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कोई नहीं समझ रहा है, सब समझ रहे हैं, इतना ही भारतीय जनता पार्टी के समिति के लोगों की चिंता है, तो आप बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के समिति अनिल द्विवेदी जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमारे साथ जुड़े होगा। अनिल जी, मेरा एक सवाल था, क्या छत्तीसगढ़ में फिर अगला जो चुनाव होने वाला है 2023 फिर इसी मुद्दे पर आएगा? क्योंकि पुराना मुद्दा तो पूरा हो नहीं पाया और भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति में नहीं कि पूर्ण शराबबंदी की बात कर सके, क्योंकि जिस जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी काबिज है वहां पर पूर्ण शराबबंदी नहीं हो पाई। कांग्रेस भी 3 साल हो चुका है, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो क्या 2023 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा, क्योंकि महिलाओं ने बड़ा विश्वास जताया था कांग्रेस के ऊपर? बिल्कुल आदित्य, देखिए जनता ये सवाल जरूर पूछेगी चुनाव में, और मैं बताऊं आपको, हरिवंश राय बच्चन ने कुछ अच्छी लाइनें लिखी थी, मैं बताऊंगा कि स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। तो जनता ये कहेगी कि भाई सरकार ने वादा किया था शराबबंदी का, वो लागू क्यों नहीं हुआ, वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? और मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहूंगा आदित्य आपके मार्फत, कि आज ही उमा भारती ने भोपाल में आज ही उमा भारती ने ये घोषणा की है कि 12 फरवरी से वो शराबबंदी के खिलाफ अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरने वाली है। रजनी जी, तो ये एक बड़ा सवाल है। और एक अंतिम बात आदित्य मैं कह दूं कि जी बताएं, अपनों से घिर रहे हैं आप रजनीश जी, मध्य प्रदेश में लगातार मांग उठ रही, उमा भारती लगातार सामने आ रही और साफ कह दिया है कि 14 फरवरी के आसपास तो पूरी शराबबंदी के लिए लगातार फिर से आंदोलन करेंगे। धन्यवाद के साथ कि आरपी सिंह जी आज घोषणा कर दे, हमारी नेता ने वहां कहा है कि यदि शराबबंदी में जो गड़बड़ियां हो रही है उनको लगता है कि बंद किया जाए, नहीं तो मैं वहां धरने पर बैठूंगा। हमारे आरपी सिंह जी बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ में हमारे मंत्री लोग और कांग्रेस के नेता लोग कब से धरना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि वहां माधवराव सिंधिया जी ने, जब कमलनाथ जी ने वादा पूरा नहीं किया तो उन्होंने कहा मैं रोड में उतरूंगा, उन्होंने कहा जिसको रोड में उतरना है उतर जाए, माननीय कमलनाथ जी को उन्होंने रोड में ला दिया। तो कांग्रेस के हमारे आरपी सिंह जी बड़े वरिष्ठ हैं, वो आज घोषणा कर दे, मध्य प्रदेश का जब इतना उनको अनुसरण करना है तो माननीय जो अनिल जी हैं मैं उनको धन्यवाद सहित कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के हमारे मित्रों को वह दिव्य ज्ञान कब आएगा, इनके मंत्री प्रदेश अध्यक्ष ये कब से बैठने वाले हैं, बता दें आरपी सिंह साहब आप कब से बैठ रहे हो? शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, आपने तो कसम खा के कहा है, मध्य प्रदेश में कोई कसम नहीं खाया था,
ना कोई कहा था भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में नहीं था, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गंगा जल की कसम खाया था, तो आप बताइए कब बैठेंगे छत्तीसगढ़ वाले, कब सुन लेंगे? रजनी जी जवाब ले लेते हैं, अनिल जी से भी थोड़ा पूछ लें, वहां तो उमा भारती जी बैठ रही, इनसे भी पूछ लें कि ये कब से बैठ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह हो, रजनीश जी हो, अजय चंद्राकर हो, बृजमोहन अग्रवाल, मैं खुलेआम कहता हूं और मेरा सरासर आरोप है कि झूठ बोलने के जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये सारे लोग मिलकर तोड़ सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, एक वीडियो, एक किसी नेता का बयान ये दिखा दे कि हमने गंगा जल की कसम शराबबंदी के लिए खाई थी, हमने गंगा जल की कसम उठाई थी कर्ज माफी के लिए, और सरकार बनने के एक घंटे के अंदर हमने कर्ज माफ कर दिया। तो भारतीय झूठ पार्टी के नेताओं से नहीं हुआ है, कम से कम नहीं हुआ है, सच बोलिए, पूरा सच बोलिए, नहीं हुआ, ऐसे इंसान नहीं हुआ है, बहुत सारे किसानों को बता दूंगा, नेता के तौर पर होने लगी है, सच बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं, आपकी सरकार ने कहा है विधानसभा में, आपकी सरकार ने कहा है कि हम सब किसानों का कर्ज माफ नहीं किए हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों का नहीं हुआ है, सरकार का जवाब है सिंह साहब, कहाँ लगे हैं क्यों जनता को आप समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझती? आदित्य जी सब जानते हैं विधानसभा में रहते हैं। चलिए, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी। कांग्रेस का अपना तर्क है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, और इसी के चलते वोट दिया था कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होगी। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़े, मैं आरपी सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, मैं रजनीश सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, अनिल द्विवेदी जी का धन्यवाद करता हूं। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, कल किसी अलग मुद्दे पर हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।